हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, गुरुवार को पीला रंग बहुत से लोग पहनते हैं और ये सोचते हैं कि बृहस्पति की कृपा उन पर बनी रहेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बृहस्पतिवार को पीला रंग पहनने से कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। वो अमीरी से गरीबी पे आ सकते हैं, उनके जीवन में संकट, कष्ट, बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो कौन है ऐसे राशियां और किनको नहीं पहनना चाहिए गुरुवार को पीला वस्त्र, आज ये बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अपना नेम करेक्शन करवाना है, अपने मकान का नंबर चेक करवाना है, तो वो चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। तो प्लीज़ मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें आप बार बार ये ना भेजें इंडिविजुअल, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर को फॉलो आपको करना पड़ता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन को आप चेक कीजिए, मैं ईमेल आईडी दे रखी है उसमें, उसके थ्रू आप कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और कंसल्टेंसी देना फिलहाल चार्जेबल है, उसका चार्ज लगता है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कोई ऐसी व्यवस्था भविष्य में करूँगी जिसमें कोई मीटिंग रखेंगे या कुछ इस तरह से, जिसमें कि लोगों को आमंत्रित करके उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन फिलहाल चार्ज है इसका, और इसको आप चेक कीजिए ईमेल आईडी में भेजकर। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। और आज मैं बताती हूँ कि गुरुवार को पीला रंग पहनना किन के लिए हो सकता है बहुत बड़ी नुकसान देने वाली वजह। तो एक्चुअली क्या होता है, बृहस्पति बेसिकली बहुत शुभ ग्रह, हम जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी करोड़पति है और उसकी अपनी औलाद है, तो वो अपना पैसा अपनी औलाद को देगा या फ्री फोकट में आपको देके चला जाएगा? आपको क्यों देगा वो? वही चीज़ है कि बृहस्पति भले ही शुभ है, लेकिन कुछ खास कुंडलियाँ होती हैं जिनके लिए बृहस्पति शुभ नहीं होता है। और ऐसे लोग बृहस्पति को स्ट्रांग करेंगे तो वो किसी जंजाल में, परेशानी में ही फंसेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि जिनके लिए शनि शुभ है, मान लीजिए आपके माता पिता का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वो अपनी संपत्ति तो आपको ही देके जाएंगे। शनि भले ही क्रूर ग्रह है, हम कहते हैं पाप ग्रह या कैसे भी है, मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, लेकिन वो जिस जो उसका लग्नेश है, मतलब जिनके लिए मंगल शुभ है या जिनके लिए शनि शुभ है, तो उनको तो वही ग्रह मालामाल करके जाएगा। तो यही स्थिति है कि गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनने से कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, आप क्या पहने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो 12 राशियों की बात करते हैं, और सबसे पहले मैं बताती हूँ मेष। इसमें राशि को भी आप लग्न राशि माने, लग्न और राशि में क्या फ़र्क है, इसके लिए मेरा वीडियो अवेलेबल है, लग्न और राशि में अंतर बाय डॉक्टर उमाश्री, इसको सर्च कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा लग्न क्या है और राशि क्या है। अगर आपको अपना लग्न मालूम नहीं है तो उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, और आप अपनी लग्न चेक करवा सकते हैं कि आपका मेष से लेकर मीन तक क्या लग्न है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है मित्रों, इसमें टाइम लगता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह से, किस लग्न वाले को पीला रंग पहनना है और नहीं पहनना है। मेष लग्न, मेष लग्न मतलब जब आपका जन्म कुंडली का पहला भाव में एक नंबर लिखा रहता है तो इसका मतलब है आपका मेष लग्न है। मेष लग्न वाले पीले गुरुवार को पीले कपड़े पहने तो उनका भाग्योदय होगा और उनको फ़ायदा मिलेगा और किसी तरह का कोई नुकसान उनको नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वाले भूल कर भी गुरुवार को पीला वस्त्र ना पहने, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बिना बात धन का अपव्यय हो सकता है। गुरुवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े पहने या बिल्कुल हल्के से ऑफ वाइट जैसे, या लेमन कलर हल्का सा मिक्स हो वाइट में, वो भी चल सकता है, लेकिन प्योर जिसको बोलते हैं गोल्डन येलो या डार्क लेमन येलो, इस तरह के कलर आप मत पहनो। बेबी कलर्स होते हैं ना लेमन जैसे, उसमें बेबी में बहुत लाइट इफेक्ट होता है उस कलर का, वो चल सकता है, पर डार्क कलर आपको नहीं पहनना है। जो समस्याएं मैंने आपको बताई वो आपके जीवन में आ सकती है, स्पेशली जब आपका बृहस्पति भी ख़राब है कुंडली में तो बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वाले गुरुवार को पीला कपड़े पहने, पीला कपड़ा पहनने से उनके रोजगार में, व्यवसाय में तरक्की होगी, जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग बनेंगे, तो शुभ है उनके लिए। कर्क लग्न वाले आंखें मूंद के पीला रंग पहने गुरुवार को बहुत फ़ायदा होगा, हर तरह से फ़ायदा होगा। सिंह लग्न वाले, सिंह लग्न वाले भी पीला रंग पहने उनको फ़ायदा होगा, लेकिन यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो उस दिन मानसिक तनाव आपको हो सकता है, तो सोच समझ के पहने, ट्रायल ले लें, अगर उस दिन अच्छा लगता है पीले कपड़े पहनकर तो पहने, अन्यथा पीले में भी जैसे केसरिया कलर है, पीला और केसरिया अलग होता है, लेकिन केसरिया कलर आप पहन सकते हैं गुरुवार के दिन। अब मैं बात करती हूँ कन्या लग्न की। कन्या लग्न वाले पीला रंग पहन सकते हैं, पीला रंग पहनने से उनको फ़ायदा ही होगा, घर के मकान के योग बनेंगे, जीवन साथी से संबंध अच्छे बनेंगे, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के योग बनेंगे।
तुला, तुला वाले भूल कर भी पीला वस्त्र ना पहने, पहनने से हर तरह के संकट हो सकते हैं जीवन में, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घर में झगड़े फसाद हो सकते हैं, उस दिन खूब ज़्यादा टेंशन होगी और घर के सदस्यों की आपस में नहीं बनेगी, कई तरह की दिक्कत हो सकती है, पैसे का अपव्यय भी हो सकता है। तो इसलिए तुला लग्न वाले भूल कर भी पीले कपड़े ना पहने, सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, गुलाबी कपड़े पहन सकते हैं गुरुवार को। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वाले पीले वस्त्र पहने, संतान से लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा। धनु लग्न, धनु लग्न वाले तो गुरुवार क्या हर दिन पीले रंग पहने, कोई दिक्कत नहीं है उनको और उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा होगा। मकर लग्न, मकर लग्न वाले भी अवॉइड करें लेकिन ट्राई कर लें, अगर उस दिन उनको अच्छा लगता है तो हल्के पीले रंग के पहन सकते हैं, गोल्डन येलो ना पहने। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वाले वाइट रंग के कपड़े पहने गुरुवार को, नहीं तो उनको दिक्कत आ सकती है, और अगर उनको सूटेबल है तो हल्के रंग के पहने, डार्क कलर अवॉइड करें। मीन लग्न, मीन लग्न वाले कभी भी पहन सकते हैं पीला रंग, उनके लिए हमेशा शुभ रहेगा और गुरुवार को तो उनको पहनना ही चाहिए। तो इस तरह से कुछ लग्न के लिए पीला रंग पहनना शुभ है और कुछ के लिए अशुभ है, तो अपनी लग्न को चेक करें और इसको प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर आपको लगता है कि मतलब आपको कुछ डाउट है तो आप ट्राई करके देख लो, आपको रिजल्ट खुद मिल जाएंगे। इसका मैं क्या बोलूँ, अब हमारा काम बोलता है आप पहन कर देख लो, अगर आपको कुछ संशय डाउट है तो आप पहन कर देखो, रेगुलर 7 गुरुवार पहन कर देखो, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे मित्रों। और जो आपके लिए शुभ है, जिनके लिए मैंने बोला है ना कि गुरुवार को नहीं पहने पीले, वो शुक्रवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, चमत्कार होगा ज़िंदगी के अंदर, गुलाबी भी पहन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।